तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता की शुरुआत 18 मई से राजा भोज कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में हो चुकी है। आज दूसरे दिन बैल जोड़ी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों की 170 जोड़ियों ने भाग लिया, जिनकी फाइनल दौड़ 20 मई को पूरी होगी। तीन चरणों में आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विश्व मधुमक्खी दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य नेता भी शामिल होंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि ग्राम मुरझड़ राजा भोज कृषि महाविद्यालय में मधुमक्खी दिवस पर एक्सपो का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा महाविद्यालय की अधोसंरचना एवं सभागृह का लोकार्पण होगा और साथ में राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 20 मई को बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता का समापन दो चरणों में होगा। पहले चरण की दौड़ सुबह होगी, इसके बाद अतिथियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता की फाइनल दौड़ होगी। प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप 3 ट्रैक्टर, 22 हीरो मोटरसाइकिल सहित सभी जोड़ियों को 7वां पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है और किसानों के मन की जो बात है कि हम कृषि के साथ साथ अन्न आय के स्रोत कैसे पैदा करें, तो उसमें मधु एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। यह एक्सपो मात्र यहाँ पर लोगों के प्रदर्शन तक हम सीमित नहीं है। हमारे बालाघाट का जो चिंदौर है, हमारे लड़जरी कायदी का जो चिंदौर है, वो वर्ल्ड का सबसे स्वादिष्ट चावल है, सबसे मीठा चावल है, सबसे सुगंधित चावल है, सबसे मुलायम चावल है, सबसे ज़्यादा घी पीने वाला चावल है। यदि थोड़ा सा घी और शक्कर डाल दिया जाए तो अपने आप बिना दूध डाले खीर बन जाती है। यहाँ पे हमारा झींगा, फ्रेश वाटर झींगा, वर्ल्ड का सबसे स्वादिष्ट झींगा है, क्योंकि नर्मदा जी में और वैनगंगा में जो फ्रेश वाटर बहते पानी में झींगा होता है, उसी प्रजाति को हम डेवलप कर रहे हैं। हम राष्ट्र में सर्वाधिक पालतू मछली उत्पादक जिले का हमको सम्मान मिला है। हमारे यहाँ पर दुधारू गायों का बहुत बड़ी संभावना है। हमारा बालाघाट जिला मैंगो हब बन सकता है, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। हमारा अपना बालाघाट में हम काजू का उत्पादन बढ़ा करके हम काजू जिला बना सकते हैं। तो काजू यदि हमारा किसान ने पैदा किया तो उसका प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। तो आज के 15 दिन पहले हमने काजू की कार्यशाला करी। हम 600 हेक्टेयर में आने वाले समय में भारत सरकार के सौजन्य से और सहयोग से काजू की खेती की ओर आगे बढ़ेंगे। हम काजू का प्रोसेसिंग यूनिट डालेंगे, तो वे सारे उपक्रम जो धान, गेहूँ और आपके मक्के या मोटे अनाज, जैसे कि अब स्पराध है, जैसे कोदो कुटकी है, राई है, तो ये सब चीज़ें आज डायबिटीज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सोचते हैं भाई कोदो कुटकी तो वनवासी खाता है, वनवासी इसलिए स्वस्थ है कि वो कोदो कुटकी खाता है, हम इसलिए खराब बीमार है कि हमको पहाड़ी नहीं चढ़ते, हम इसलिए अस्वस्थ हैं कि हम शुगर के को कम करने के लिए घूमते नहीं। तो पहाड़ी पे चढ़ेंगे, कोदो कुटकी पकाएंगे, मोटा अनाज का उत्पादन करेंगे और एक जिला एक उत्पाद में, जैसे डिंडोरी मंडला कोदो कुटकी के लिए, बालाघाट चिंदौर चावल के लिए, हमारा सिवनी सीताफल के लिए, और हमारा जो छिंदवाड़ा है संतरे के लिए, जो हमारा एक जिला एक उत्पाद में स्थान पाया है, आने वाले समय में ये हमारा आधा मध्य प्रदेश राज्य की इकोनॉमी बढ़ाने में पहला कोई क्षेत्र होगा, हमारा एग्रीकल्चर होगा। दूसरे दिन की दौड़ में टॉप 5 जोड़ियों की बात करें तो इसमें नांदी बरघाट के सोहेल पटेल की जोड़ी नंबर 1 की पोजीशन पर है। वही अजीम पटेल बिहरिया सिवनी की जोड़ी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आतिश वर्मा वाशिम महाराष्ट्र शामिल है। चौथे नंबर पर रवि पटेल सिवनी और पांचवे नंबर पर वारा के लालू पटेल की जोड़ी ने स्थान बना रखा है। देखना यह होगा कि अब इनमें से कौन सी जोड़ी फाइनल में पहला इनाम प्राप्त कर पाती है। बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता में आज अतिथियों के तौर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, मौसम हरिनखेड़े सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि बैल जोड़ी ट्रैक के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे, जिन्होंने देर शाम तक राष्ट्रीय स्तर की बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। बैल जोड़ी दौड़ प्रतियोगिता रखी जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार 150 से अधिक बैल जोड़ी ने पंजीयन किया है। पहला इनाम हमने 47 हॉर्सपावर का
स्वराज ट्रैक्टर रखा है, दूसरा इनाम 42 हॉर्सपावर का स्वराज ट्रैक्टर है, तीसरा इनाम 30 हॉर्सपावर से अधिक का स्वराज ट्रैक्टर है, चौथा इनाम हीरो होंडा पहला नंबर है जो ग्रेट नंबर का होता है उनका, उसके बाद में घटते क्रम में हम 25 इनाम हीरो होंडा के दे रहे हैं। यही हमने रुके हैं, जितने लोगों ने हमारे यहाँ पंजीयन कराया, इस मैदान में दौड़ लगाया, उन सबका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। कितने सेकंड में किस किसान की जोड़ी दौड़ी है, उसको जो गणना वाच से है, एक एक सेकंड की गणना वहाँ वाच से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाच से, उसको प्रमाण पत्र लिख के देंगे कि भाई आपकी जोड़ी ने 300 मीटर की दौड़ को इतने सेकंड में प्राप्त किया है, इतने इतने पूरा किया है। तो जब कभी वो कहीं जाएगा तो उसको दोबारा ये बताना पड़ेगा कि मेरा बैल कितने सेकंड दौड़ता है। बैल की आज की दौड़ कल के साथ जोड़ी नहीं जा सकती, समय के साथ उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, उसकी उम्र का प्रश्न है। लेकिन आज जितने भी बैल के जो हमारे पालकों ने आए हैं, वो लोग अपने बेटे से बच्चे से भी ज़्यादा उनको स्नेह करते हैं, दूध पिलाते हैं, ड्राई फ्रूट खिलाते हैं, अंडा खिलाते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं कि ऐसा लगता है कि देखते ही बनता है। आज वासिम की जोड़ी ने 22 सेकंड कुछ पॉइंट में इस रेस को नंबर एक कल तक दौड़ी थी। उसके बाद दूसरी जोड़ी है जिसने कि हमारे सिवनी के बहरिया के पटेल साहब की 22 से 23 के बीच में, फिर तीसरी जोड़ी सिवनी की जो 22 से 23 के बीच में, और क्रमशः 25 सेकंड तक हमारे यहाँ की जोड़ियाँ दौड़ी हैं। सभी जो मवेशी और बैल को पालने वाले लोगों ने पूरी निष्ठा, समर्पण और गौ सेवा की जो भावना है उसके अनुरूप अपने गौ मवेशियों को लाया है। दुख धूप में रहें, कष्ट उठाएं, हम उनके लिए उचित प्रबंध नहीं कर सके, इतना ही हम कर सके कि रुखा सूखा उनको खाना खिला सके। कल सब लोग आए, बड़े पैमाने पर आए, पूरा जिला आए, पूरा प्रदेश आए, पूरा राष्ट्र आए, और बालाघाट जिले की एक अद्भुत बैल जोड़ी बैल प्रतियोगिता जो राजा भोज कृषि महाविद्यालय के परिसर में आहूत है, हो रही है, उसमें आकर के बैलों के दौड़ का आनंद लें, उन बैल पालकों को आशीर्वाद दें, गौवंश की रक्षा करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।